दिया मैंने, तो 25 केजी का अभी शाम को एक लेके घर पे जाएंगे फिर कल। अभी बजे 11, तो चलिए दोपहर के बाद निकलते हैं। तो चलिए चलते वहाँ पे बैग देखते हैं कितने हैं। हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैम छो। अभी आज है 31st ऑफ अगस्त और सुबह के बजे 9। लेबर को लेके आ गए हैं उधर से, अभी ट्रैक्टर भी इधर रखी है चंदू भाई की वाड़ी पे, अभी वहाँ पे जाएंगे। वो रोपा बैग साथ ही वो ख़त्म हो गई है, देखते हैं वहाँ पे कितनी बैग्स हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का लाइक का एम रखते हैं 1000 लाइक्स और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखिएगा। तो चलिए लेट्स गो। अभी सुरेश भाई ने कल इसमें ये सब जो गुठलियाँ डाली थी उसमें जो रोपा है उसमें पानी कल चलाया था, उसमें अमोनियम सल्फेट और अपना ये 1919 यानी 1919 डाला था, क्योंकि थोड़ा फूक का इफेक्ट है। तो अभी वो निकालने वाला नहीं है, डायरेक्ट इस पर ही कलम लगाएंगे। पिछले साल जो किया था वो हम ऐसे नहीं करेंगे, पूरे का पूरा निकाल देंगे, बैग में रख देंगे, फिर बेड में उसको डाल देंगे, भले ही 8 दिन अभी लगे। क्योंकि इसमें रखने में क्या है, अंदर जो इसका खील आता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो छाडी डाली जाती है उसकी वो बढ़ जाती है, तो उसकी जो नव्स आती हैं रूट्स वो डेवलप कम होती हैं, वो उसी खील से ही कंटेंट सारे एब्जॉर्व करता है ज़मीन से, तो वो फिर उसको निकालते हैं तब वो कट जाता है, तो रूपा पूरा प्लांट सूख जाता है। इसलिए हमने इस बार ट्राई किया है कि पूरे सभी बैग में डाल दें, जो बैग में प्लांट्स होते हैं उसमें रूट्स इतने होते हैं कि उसको भी अभी 15 दिन पानी नहीं दोगे भी तो अभी वो सूखेंगे नहीं, तो ऐसा है अभी। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर बैग देखते हैं कितने हैं, लेट्स गो। अभी एक बैग यहाँ पर पड़ा है, ये रहा ये वाला बैग, तो आज का दिन चल जाएगा। आज शाम को सीधा गट्ठी से जाएंगे लेबर को छोड़ने के बाद, वहाँ से बैग उठाएंगे एक या दो बैग, फिर जाएंगे घर पे, कल सुबह लेके आऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वहाँ पे बैग थोड़ी एक ही बैग बचा है, 25 किलो ही बचा है, तो गट्ठी से जाना है। एक बैग अभी उठा लेंगे, दूसरा बैग शाम को घर जाएंगे तब उठा के सुबह यहाँ पर लेके आएंगे, दो बैग हो जाएगा। तो चलिए गट्ठीसा चलते हैं, फिर बाद में यहाँ पर आके वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी घटसीसा से वापस आ गए हैं हम रोपा बैग लेके 25 केजी का, अभी शाम को एक लेके घर पे जाएंगे फिर कल यहाँ पे लेके आएंगे। अभी ये मूंगफली में पानी चलाना है तो कल से इसमें पानी चालू कर देंगे। ये मूंगफली अच्छी है, इसमें क्या है, वो पानी टिकता नहीं था बारिश का, तो ये इसमें फूक का इफेक्ट नहीं आया है, वो नीचे थोड़ा है फूक का इफेक्ट। तो अभी क्या हालत है देखिए मूंगफली की, इसमें अच्छा है। प्लांटेशन अभी अगली साल इसमें करेंगे, जो छोटा वाला है जो नर्सरी का, पूरा इधर लेके आएंगे। तो अभी बज रहे हैं 11, इसके बाद अभी वो बुद्धाला लाएंगे, उधर ऊपर का पोर्शन बाकी है जो पानी चालू करने का, वो छोटे वाले प्लांट्स हमने प्लांटेशन किया वहाँ पे, उस पर पानी डालना है चलाना है, तो वो आएंगे अभी 10-15 मिनट में। इसके बाद फिर हम जाएंगे घर, अभी बज रहे हैं 11, तो चलिए दोपहर के बाद मिलते हैं, गुड बाय। वेलकम बैक टू वीडियो। अभी उधर काम थोड़ा ज़्यादा है इसलिए बुद्धालाल वहाँ पे गए हैं, मैं खुद पानी इसमें चला रहा हूँ, ये देखिए पैंट पूछा कर दिया मैंने, तो चलिए इसमें पानी पूरा करते हैं, इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अभी हमने वहाँ पे मैंगो प्लांट्स में पानी पूरा कर दिया है, अभी यहाँ पे आए हैं, 6 बजे जाऊँगा ये ट्रैक्टर लेके लेबर को छोड़ने के लिए और बाद में वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए अभी 1 घंटा है यहाँ पे, थोड़ा आराम करते हैं फिर बाद में वहाँ पे जाएंगे डे पर। दोस्तों अभी ये जो वाड़ी है सुरेश भाई यहाँ पर आम डाल रहे हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो करें, अभी पिछले साल किया था तो अभी इतने छोटे छोटे वाले बचे हैं, वहाँ पे बड़े हैं वो, वहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे बड़े, वो 4 फीट के ऊपर से हैं, तो अभी उन लोगों का था अभी 4 से 5 हज़ार प्लांट बचे होंगे, सभी छोटे हैं ऑलमोस्ट समथिंग 80%, बाकी सब बड़े प्लांट्स हैं।
तो अभी क्या है, पहले छोटे प्लांट्स की मारामारी थी, लेकिन अभी सब लोग बड़े प्लांट्स में जा रहे हैं। पता नहीं क्या है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लांट्स में ज़्यादा ग्रोथ होगा। ग्रोथ थोड़ा होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 20-30% फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो छोटा प्लांट है इसमें उसकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स एकदम छोटी छोटी होती है, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्व करती है पानी को और इसका ग्रोथ अच्छा होगा उससे। हालांकि जो बड़े प्लांट्स होते हैं उससे 5 या 6 मंथ ही पीछे रहता है ये। तो सभी किसान मित्रों से मेरा निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए, इसमें क्या है कॉस्टिंग बढ़ जाता है किसानों का। एक तो प्लांट्स भी वो महंगे आते हैं, 200 से 250 रुपये, अभी कहीं कहीं के तो 300 रुपये चार्ज करते हैं 4 फुट 5 फुट के। अभी 4 फुट के जो प्लांट है वो 200 से 250 के बीच में बिक रहे हैं, और जो बड़े प्लांट्स आते हैं 4 फुट 5 फुट से बड़े, वो सभी 300 से 350 के बीच में बिक रहे हैं। तो ये जो प्लांट है छोटे वाले, ये अभी दिखाया आपको, ये छोटे वाले प्लांट अभी समझ लो 100 से 130 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। वो किसानों को सस्ते भी पड़ेंगे और इसमें कोई ज़्यादा 4-5 5-6 महीने का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मेरा सजेशन सभी किसानों से यही है कि छोटे प्लांट्स लें, क्योंकि उसमें जो मैच्योरिटी आती है बाद में 6 महीना लेट होगा, लेकिन उसमें जो मैच्योरिटी आती है उसका जो रूट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो अच्छी तरीके से होता है। उसमें क्या है, वो बड़ा इसलिए हुआ है कि ज़मीन में डाला हुआ था और उसका जो खील आता है पूरा, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर देख के। इसका जो होगा रूट्स जो टूटा हुआ प्लांट्स, ये देखिए, ये तो छोटे का है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, इसको ये इधर से इसका बॉटम एंड शुरू होता है। ये जो होता है खील, ये खील बढ़ जाता है ज़मीन में, जो प्लांट जाता है वो खील के हिसाब से पोषण लेता है, उसके उससे थ्रू होके वो पूरे कंटेंट और वो सब लेता है अंदर से, पानी का जो कंटेंट होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो सब इसी से लेता है। अगर ये छोटे प्लांट्स होंगे तो छोटे प्लांट्स में, अभी देखिए ये छोटा प्लांट्स में, इसमें दिखाता हूँ आपको, ये सूख चुका है, निकल नहीं रहा है अभी, निकल के आपको दिखाता हूँ, दिखाऊंगा अभी, बहुत छोटे प्लांट्स है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये रहा थोड़ा ग्रीन है प्लांट, इसमें आपको दिखाता हूँ, ये नहीं निकल रहा है। अभी ये है ना, ये बड़े प्लांट्स का है, इसमें देखिए अभी रूट्स इसके थोड़े कम हैं, तो अभी इसमें क्या दिक्कत होती है, कई सारे किसान ऐसा कहते हैं कि हमें बड़े प्लांट्स चाहिए, ये तो मीडियम साइज़ का है, अभी मैं बड़े का आपको दिखाता हूँ, वीडियो में आप बने रहिएगा दोस्तों। ये अभी देखिए, ये बड़े प्लांट्स का बॉटम है, इसको थड़ बोलते हैं, कि अभी इसमें देखिए कहाँ पे रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे भी आपको लग रहा है रूट्स है नहीं है, क्योंकि ये खील से पोषण लेता है। अभी छोटे प्लांट्स होंगे तो अभी इसमें रूट्स होंगे, रूट्स डेवलप होंगे, तो ये देखिए इसमें रूट्स है, ये छोटे प्लांट का है, इसमें देखिए रूट्स कितने हैं। तो सभी किसानों से निवेदन है कि छोटे प्लांट्स ही खरीदें, 3 फीट तक चलेंगे, 3 फीट से नीचे ही खरीदें। ऊपर वाला प्लांट अगर आपका पूरा रन प्लांटेशन है और उसमें कोई कोई प्लांट सूख गए हैं तो ऐसा कर सकते हैं आप कि बड़े वाले प्लांट 4-5 या 6 फीट के लेके उसमें बाद में, क्योंकि वो प्लांटेशन एकदम लेवल हो जाए। इसलिए अगर आपका नया प्लांटेशन है तो 1.5 फीट से लेके 3 फीट तक का प्लांट्स ले सकते हैं, क्योंकि उसमें किसानों को भी बेनिफिट है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, कल का नया व्लॉग बनाएंगे, आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बनाया है, पहले का वीडियो तो जो था आगे का पोर्शन वो व्लॉगिंग है, थोड़ा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन गया है। तो चलिए, जय हिंद, बाय बाय।